12 न्यूज खबर से तहकीक तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं मोहम्मद असलम बलोच, आप देख रहे हैं 12 न्यूज। पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सर्कल अफसर एंटी करप्शन वसीम अकबर लगारी का छापा। वसीम अकबर लगारी ने टीम के हमराह छापा मारकर नायब तहसीलदार समेत 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। नायब तहसीलदार इमाम बख्श ने सरकारी रिकॉर्ड में रद्द बदल करके सरकारी जमीन किसी और के नाम कर दी। नायब तहसीलदार समेत 2 अफराद के खिलाफ थाना एंटी करप्शन बखर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बखर के नवाही इलाका चक नंबर 36 में उर्बत से तंग आकर इमाम मस्जिद ने खुदकुशी कर ली। वकास ने घरेलू हालात से तंग आकर और गुरबत से तंग आकर पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। SHO सदर मलिक अख्तर बग्गा ने लाश कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के बाद गुरसा के हवाले कर दी। मजीद तहकीकात भी शुरू कर दी। मौसम मेहरबान मगर वापडा को तरस ना आया। वापडा की तरफ से गैर इलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। बिजली कई घंटे बंद रहने लगी। बिजली से वाबस्ता तमाम कारोबार ठप होकर रह गए। आवाम को भी शदीद मुश्किलात का सामना। हैदराबाद थल के समाजी रहनुमा नियाजी खान ममन की गुलखानी अदा कर दी गई। गुलखानी में साबिक सूबाई वजीर नईमुल्ला खान शाहानी, मेंबर सूबाई असम्बली आमिर अनायत खान शाहानी, नासिर हुसैन खान मगसी, सदर बार कौंसल अमीर खान मगसी समेत सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। मरहूम की बख्शिश के लिए खुसूसी दुआ कराई गई। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहें 12 न्यूज़।